है ना, कल कभी नहीं आता, जो करना है आज करना है। और मैं तुम्हें बता दूं, सक्सेस जो है वो जिद्दी लोगों को मिलती है ना, सीधे साधे लोगों को नहीं, जिसकी जिद हो कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, आज ही चाहिए, आज ही करना है और अभी करना है। ये नहीं कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बाहर धूप बहुत ज्यादा है। पढ़ने का मन नहीं हो रहा है क्यों? क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। पढ़ने का मन नहीं हो रहा क्योंकि थोड़ा सा ठंडी लग रही है। पढ़ने का मन नहीं हो रहा, बस मन नहीं हो रहा। तुम्हें सब कुछ नहीं मिलेगा, किसी को सब कुछ नहीं मिलता, ये बात पक्की है। तो अगर आप सक्सेस चाहते हैं ना, डॉक्टर, डॉक्टर क्या है सर, धरती का भगवान, और धरती का भगवान बनना इतना आसान नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, भगवान बनना इतना आसान नहीं। अगर होता तो 26 लाख बनते हर साल। हेलो एवरीवन, जी हाँ बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट 2025 के रोड मैप के बारे में, कि कैसे आप नीट 2025 का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं नीट की ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है बच्चों का कि सर कंपटीशन इतना टफ है ना, बहुत सारे बच्चे हैं, नंबर ऑफ सीट कम है, तो क्या नीट का एग्जाम हम क्रैक कर सकते हैं? सर आप मुझे बताइए, इतना सारा कॉम्पिटिशन है, फिर कैसे होगा नीट का एग्जाम? सर मैं 11th पढ़ चुका हूँ, 12th में हूँ, 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने NCERT नहीं पढ़ी, तो क्या अभी भी पॉसिबल है? सर मैंने 11th भी पढ़ लिया है, 12th भी पढ़ लिया है, अब ड्रॉप लेना चाहता हूँ, या फिर मुझे डाउट है कि ड्रॉप लू भी या ना लू, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, है ना, ये सारे क्वेश्चन होंगे आपके। मैं आपके हर एक सवाल का इस पर्टिकुलर वीडियो में जवाब दूंगा। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है, बच्चे ऐसे पूछते हैं अक्सर, तो सर मुझे पहले बताइए, इज दिस पॉसिबल टू क्रैक नीट 2025? आंसर है यस, जी हाँ बच्चों, बिल्कुल किया जा सकता है, है ना, कैसे किया जाएगा मैं आपको बताऊंगा। फिर दूसरा आपका क्वेश्चन हो सकता है, विल नीट 2025 बी इजी? क्या 2025 का नीट जो होगा वो इजी होगा? टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बता दूं, नो, बिल्कुल इजी नहीं होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि नंबर ऑफ सीट थोड़ा कम है, इंक्रीज हो रही है नो डाउट, लेकिन अगर देखा जाए नंबर ऑफ स्टूडेंट के रेशियो में तो कम है। फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं हाउ टू क्रैक नीट 2025, अगर किया जा सकता है तो कैसे कर सकते हैं, सारी स्टडी बताऊंगा। मैं आपको बता दूं, जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, है ना, तो हमें यह नहीं समझ में आता क्या करना है, कैसे करना है, कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। जब हम एग्जाम दे लेते हैं, उस पर्टिकुलर स्टडी टाइम से बाहर आ जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है, तो जब रिजल्ट हाथ में होता है ना, तब हमें समझ में आता है कि भाई नवंबर में क्या किया हमने और क्या नहीं करना था, दिसंबर में हमने क्या किया, क्या नहीं करना था, कौन कौन सी ऐसी मैंने मिस्टेक की जो नहीं करनी चाहिए थी, और क्या क्या मुझे फाइंड आउट करनी चाहिए थी, किन किन चीजों में मैं करेक्शन कर सकता था बट मैंने नहीं किया। अगर क्या हो, इन सारी मिस्टेक को आप पहले ही समझ लें, पहले ही जान लें, तो उनमें करेक्शन कर सकते हैं, उन पर फोकस कर सकते हैं और उन गलतियों को करने से बच सकते हैं, और डेफिनेटली आप नीट 2025 का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, अपने मेडिकल कॉलेजेस में जा सकते हैं। सवाल है सर कैसे, मैं आपको बताऊं बच्चों, पहली चीज, अगर आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल हो, है ना, प्रॉपर टाइम टेबल क्या होता है सर, जो आपके अकॉर्डिंग हो, है ना, जैसे अगर आप मुझसे पूछें कि सर मुझे बताइए मैं कब पढ़ूं, ये आंसर ही रॉन्ग है, इसका जो भी मैं आंसर दूंगा वो रॉन्ग होगा। रीजन है, रीजन ये है बेटा कि हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की कंडीशन अलग अलग होती है, और जो मैं चीजें बताऊंगा, जो मैं टाइम टेबल बताऊंगा, वो मेरे अकॉर्डिंग होगी। लेकिन अगर हम कॉमन चीजें बताएं, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मैंने बताया कि ठीक है बेटा ऐसा कर, दिन में क्लास लिया कर, रात को पढ़ लिया कर, या फिर तू दिन में पढ़ लिया कर, है ना, और रात को क्लास लिया कर। अब जरूरी नहीं कि जो मैं चीजें बताऊंगा सबके अकॉर्डिंग वो चीजें होंगी या सबके लिए सुटेबल होंगी, कुछ बच्चे हैं जो दिन में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हैं जो रात में पढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी फैमिली होती है, स्पेशली इंडियन फैमिली में तो आपको पता ही है कि दिन में पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, है ना, फैमिली वाले चिल्ला रहे हैं, घर में कोई बालक है वो चिल्ला रहा है, है ना, पड़ोस की आंटी आ गई गपशप करने के लिए मम्मी के साथ, क्या करोगे, भगा दोगे, नहीं कर सकते तुम। तो उस केस में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो नाइट शिफ्ट चूज करते हैं पढ़ने के लिए। आपको भी पढ़ना है, अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए, लेकिन जब भी टाइम टेबल बनाइए उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एटलीस्ट मैं तुम्हें बता दूं, वो आपको टाइम टेबल बनाएंगे, उस प्रॉपर टाइम टेबल में याद रखें फिजिक्स,
केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट होना चाहिए विद इन अ डे, और मिनिमम स्टार्ट में 8 आवर्स का टाइम टेबल बनाना है, 8 घंटे का, जिसमें दो चीजें होनी चाहिए बच्चों, थ्योरी होनी चाहिए प्लस एमसीक्यूज भी होना चाहिए। अगर तीनों सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है तो कम से कम आपको दो सब्जेक्ट जरूर पढ़ने हैं विद इन अ डे, क्लियर है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता हो कि सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो चीजें इजी हो जाएंगी आपके लिए। अगर आपको पता हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, ट्रिक क्या है उनकी, जिसे आप बहुत कंफ्यूजिंग जो टर्म्स होते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको इजिली आप याद कर सकते हैं, ये चीजें आपको पता हो तो आपका नीट क्लियर करना थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना सर। या फिर आपको पता हो तो टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स किए जाते हैं क्वेश्चन में, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन ऐसे टॉपिक है जहां से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस पर्टिकुलर टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है, किस पर्टिकुलर टॉपिक पर कम फोकस करना है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है सर, सिर्फ पढ़ना नहीं है, कैसे पढ़ना है ये जरूरी है, क्लियर है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ओवरऑल अगर हम देखें नीट के सिलेबस में, अगर हम देखें बच्चों, नीट के अलावा सिलेबस में, चलिए जस्ट अ सेकेंड, तो मैं आपको बता दूँ टोटल आपको 82 चैप्टर्स पढ़ने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कलेक्टिवली मिला करके, है ना। 82 चैप्टर्स के लिए आपके पास है जस्ट 45 वीक, और मतलब डेज में से कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 315 डेज हैं, 315 दिन में आपको 82 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। कैसे होगा, तो मैं आपको एक टारगेट देता हूं कि सर 2 चैप्टर विद इन वीक कंप्लीट करिए, एक ही वीक में 2 चैप्टर कंप्लीट करिए, वो चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री का हो सकता है, या फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी का हो सकता है, या फिर कोई और कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए। जब ये चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे तो उसमें दो चीजें होनी चाहिए, थ्योरी एंड एमसीक्यूज। इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपके 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों विद इन मंथ, हाँ 8 चैप्टर विद इन मंथ। और ये चैप्टर कौन से करने हैं सर, क्या ये पॉसिबल है, मैं बिल्कुल बताता हूँ कैसे पॉसिबल है। सुनिए, अगर आप यहां पर ध्यान दें तो अगर ये जो 8 चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हैं, ये जो 8 चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं फिजिक्स के सपोज करो आपने 2 चैप्टर लिए, एक बिग चैप्टर ले लिया, कोई बड़ा सा चैप्टर ले लिया, एक कोई छोटा सा चैप्टर ले लो, केमिस्ट्री में भी एक बड़ा चैप्टर ले लो एक छोटा चैप्टर ले लो, है ना, और बायोलॉजी के भी आप 2 बड़े चैप्टर और 2 कोई छोटे चैप्टर ले सकते हैं, और इसके साथ याद रहे एमसीक्यूज तो सॉल्व करने ही करने हैं सर। कैसे करें हम, है ना, मैं आपको बता दूं, जो आप क्या करिए, बच्चे जो मिस्टेक करते हैं मैं आपको बताता हूं वो क्या करते हैं, क्लास में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग क्लासेस में जब आप नीट की तैयारी करते हैं तो कोई और चैप्टर पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, है ना, या फिर कहीं और क्लासेस से, ये गलती आपको नहीं करनी, जो आपके कोचिंग क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसी चैप्टर से आप पढ़िए, उसी चैप्टर को कंप्लीट करिए नीट के लिए, ज्यादा बेटर होगा, है ना, तो रिवीजन भी इजी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझना इजी हो जाएगा, बाकी सारी चीजें इजी हो जाएंगी आपको, एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं आप, प्रॉपर टाइम मिलेगा आपको। तो याद रखिए कि अगर आप कोचिंग करते हैं, ठीक है, तो जो आपके कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया जाता है वही आपको रिवाइज करना है, ठीक है, उसी चीज को रिवाइज करना है, उसी चैप्टर को रिवाइज करना है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, और उसके क्या करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों, जब बात आते हैं एमसीक्यूज की, ठीक है, एमसीक्यूज की, तो याद रहना चाहिए आपको, आप सबसे पहले फोकस करेंगे कि ये जो एमसीक्यूज है ये एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए आपके एमसीक्यूज, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, ये चीज आपको करनी है। अगर सपोज करो किसी चैप्टर का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करिए, उसके आंसर को ढूंढिए, आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप देखिए कि कितने एमसीक्यू सॉल्व आपसे हुए कितने नहीं हुए, जिनके आंसर रॉन्ग हो गए उनको ढूंढिए, उनको फाइंड आउट करिए, और आप सोचिए कि आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे रॉन्ग कर दिया, क्या चीजें थी जो आपको मिस कॉन्सेप्ट कर गई, या फिर क्या ऐसी चीजें थी जिन पर आपने फोकस नहीं किया, तुरंत उसको फोकस करिए, तुरंत उसको सॉल्व करिए विद इन अ डे। अगर आपने यह सोचा कि हाँ मैं कर लूंगा, तो याद रखिएगा सर कल कभी आता नहीं है ना, कल कभी नहीं आता,
जो करना है आज करना है। और मैं तुम्हें बता दूं, सक्सेस जो है वो जिद्दी लोगों को मिलती है ना, सीधे साधे लोगों को नहीं, जिसकी जिद हो कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, आज ही चाहिए, आज ही करना है और अभी करना है। ये नहीं कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बाहर धूप बहुत ज्यादा है। पढ़ने का मन नहीं हो रहा है क्यों, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। पढ़ने का मन नहीं हो रहा क्योंकि थोड़ा सा ठंडी लग रही है। पढ़ने का मन नहीं हो रहा, बस मन नहीं हो रहा है। तुम्हें सब कुछ नहीं मिलेगा, किसी को सब कुछ नहीं मिलता, ये बात पक्की है। तो अगर आप सक्सेस चाहते हैं ना, डॉक्टर, डॉक्टर क्या है सर, धरती का भगवान, और धरती का भगवान बनना इतना आसान नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, भगवान बनना इतना आसान नहीं है। अगर होता तो 26 लाख बनते हर साल, पर इतना आसान नहीं है भगवान बनना, तपस्या तो करनी ही पड़ेगी आपको भी। आपको एक चीज ध्यान देनी है, वो ये कि एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। और मैं बता दूं आपको, टारगेट रखिए आप, जब एनसीईआरटी को पढ़ने बैठिए तो आपके पास में पेंसिल जरूर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, जिससे क्या करें आप, इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट लाइन को हाईलाइट कर सके, सर्कल कर सके, और हाईलाइटर भी अपने पास लेकर के बैठिए, और कुछ अगर मिले तो फ्लो चार्ट बना लीजिए, जिससे चीजें कॉन्सेप्ट इजी हो जाए। और याद रखिएगा, एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम बायोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी फॉलो करनी है? बिल्कुल करनी है, 100% करनी है। और अगर कोई टीचर आपको यह कह रहा है कि भैया एनसीईआरटी कुछ नहीं, एनसीईआरटी से ज्यादा मैं पढ़ा दूंगा, झूठ बोल रहा है। वो पढ़ा तो सकता है, लेकिन क्वेश्चन वो आएंगे नहीं, पूछा जाएगा तो सिर्फ एनसीईआरटी से। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एडेड है नीट में, वो एनसीईआरटी में नहीं है, वो पढ़ लेना, दे दिए जाएंगे आपको, लेकिन करना तो तुम्हें एनसीईआरटी, प्रायोरिटी आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जब इन सारी चीजों को आप कर रहे होंगे तो एक चीज पर आपका ध्यान नहीं होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सर हेल्थ। जी हाँ, बच्चा जब जी जान लगा देता है, जब उसे नीट करने का, डॉक्टर बनने का नशा हो जाता है ना सर, तो वो अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देता। ये गलतियां नहीं करनी आपको, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है, हेल्दी रहना है, ठीक है। और जब पढ़ने बैठे तो कुछ हल्का नाश्ता करके बैठे, और वाटर की बोतल जरूर लेकर के बैठे, पानी पीते रहे, और हर एक दो से तीन घंटे तो जब आप स्टडी कर ले, उसके बाद एक ब्रेक ले बेटा, है एक ब्रेक ले, दो से तीन घंटे के बाद, हर एक दो से तीन घंटे के बाद ब्रेक ले लें। आप बोलेंगे सर दो से तीन घंटे तो मैं पूरे दिन में नहीं पढ़ता, तो पढ़िए। अगर आप करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो पढ़िए, ऑप्शन नहीं और कोई है ना। बाकी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डाउट है, कोई अदर इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।